भिलाई नगर केसरवानी वैश्य सभा द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश केसरवानी वैश्य सभा के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही प्रदेश महिला केसरवानी वैश्य सभा की सदस्याएं भी उपस्थित हुई। बीते दो वर्ष कोरोना काल के बाद यह पहला मौका था जब भिलाई में केसरवानी वैश्य सभा का पारिवारिक मिलन समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। भिलाई नगर केसरवानी वैश्य सभा के अध्यक्ष रंजन गुप्ता द्वारा यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में केसरवानी वैश्य सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं महिला सभा के पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस पारिवारिक मिलन समारोह के जरिए केसरवानी वैश्य समाज के संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाने की दिशा में फैसले लिए गए। साथ ही समाज में विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिससे उनके परिजनों को अपने पुत्र या पुत्री के लिए वर वधु तलाशने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। कार्यक्रम की शुरुआत केसरवानी वैश्य समाज के आराध्य देव के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात मंची कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों का विधि अनुसार पुष्पगुच्छ शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस दौरान समाज में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले सामाजिक बंधुओं का सम्मान भी किया गया। भिलाई नगर केसरवानी वैश्य समाज द्वारा आयोजित किए गए इस गरिमामयी कार्यक्रम की सराहना प्रदेश अध्यक्ष ने कंठ मुक्त से की। साथ ही भिलाई नगर केसरवानी वैश्य सभा के अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने कार्यक्रम के आयोजन एवं सामाजिक गतिविधियों की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी युवक युवती आए हैं विवाह योग्य, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी जोड़ियां यहां पे तय हो और वो अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सुखी रहें, ये भी हम लोग का शुभकामना है। ये देखिए, अभी हम लोग 3 महीने ही हुए अभी हम लोग को कार्य करते हुए, और तरुण सभा, महिला सभा और हमारे प्रदेश सभा तीनों मिल के हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और एक हम लोग निश्चित एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, जिसमें जैसे कश्यप धाम की स्थापना है, वेलफेयर समिति की सदस्य संख्या बढ़ाना है और आपदा कोष को भी हमको बढ़ाना है आगे, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो हैं स्वजाति बंधु हैं उनको मदद कर सकें। जी, अभी जैसे पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल का समय रहा, विकट समय रहा, लोगों ने इसको बड़े उससे मतलब काफ़ी जगह काफ़ी परेशानी भी हुई, लोगों को कठिनाई भी हुई, उसी से ये आइडिया आया कि कहीं मान लीजिए किसी को दिक्कत हो रही है तो कोई ऐसी राशि या कोष बनाया जाए जिससे ऐसे लोगों की मदद कर सके जो संकट में है, कठिनाई महसूस कर रहे हैं। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम की समस्त महिलाएं आज इतनी एक्टिव हो गई हैं कि वो प्रत्येक एक कार्य के लिए अपने आप को स्वयं सक्षम बना रही हैं कि हमें किसी के आज जरूरत नहीं है कि हम उनका हाथ पकड़ के काम करें। पहले आप देखे होंगे कि महिलाएं सिर्फ मंदिरों में जाती थी, पूजा अर्चना करती और घर वापस आ जाती, लेकिन ऐसा आज कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे प्रत्येक एक कार्यक्रम को वह अपनी प्रस्तुति के द्वारा अपना रूपरेखा प्रस्तुत कर रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मेरा केसरवानी समाज पिछड़ा हुआ है, लेकिन आपका ये प्रश्न है तो मैं मानती हूँ कि अगर कुछ नगर और ग्राम समाज छूट गए हैं तो हमारा जो केसरवानी वैश्य समाज है आज इतना संगठित हो चुका है और प्रत्येक एक संगठित प्रदेश पदाधिकारी इस कार्य के लिए जुट गया है कि हमारा नगर सभा का निर्माण हो और नगर सभा के साथ साथ हमारी महिला सभा का भी गठन हो। जैसा कि आज भिलाई में महिला सभा का गठन की घोषणा भैया रंजन जी के द्वारा होने वाली है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करेंगे, ये हमारा वादा है। और जो आपने कहा कि पिछड़ा है नहीं, हम उसे आगे कर रहे हैं और आगे होगा। आज ये जो आयोजन हमने किया है ये युवक युवती परिचय सम्मेलन, इसमें हमारे समाज को अच्छी गति मिलेगी, तो ऐसे कार्यक्रम हम और भी बड़े पैमाने में और बड़े स्तर पे और भी करेंगे। और आज के शुभ दिन में हमने महिला जो भिलाई को संचालित करने की महिला गठन भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद, इनसे बहुत हमको सीखने को मिला और अब हम जो है समाज को नई गति देने के लिए तैयार है और भिलाई जो है सक्षम है अपना नाम ऊपर लाने के लिए। ये महिलाओं में एक नई ऊर्जा देगा और इनको जो घर में रहते हैं ये अब समाज में घूमेंगे और अच्छे अच्छे कार्यों में अपना लाभ मिलेंगे और लाभ मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश केसरवानी वैश्य सभा अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है और अब समाज में कुछ ऐसी गतिविधियां भी की जा रही है जिससे यह समाज अन्य समाजों के लिए प्रेरणादायक बनता जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।